खबर मध्य प्रदेश के कटनी से, जहां कॉलोनाइजर की लापरवाही से 4 साल के मासूम की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मासूम की मौत नदी में डूबने से हुई है। दरअसल मामला रंगनाथ थाना अंतर्गत मदन मोहन चौपे पाट का है, जहां 4 साल का मासूम बच्चों के साथ खेलते हुए घर के पास खुदे हुए नाले में गिर गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मामले को लेकर रहवासियों ने बताया कि 4 साल का बच्चा जो उस नाले में गिरा है, वह किसी कॉलोनाइजर ने जेसीबी मशीन से खुदकर चौड़ा किया। कॉलोनाइजर द्वारा उस गड्ढे को भरा नहीं गया। मामले की जानकारी नगर निगम कमिश्नर से की गई तो उन्होंने संबंधित नाले की खुदाई कर उसे गहरा और चौड़ा करने पर कार्रवाई की। अल्लाह हुआ बच्चा डूब गया। हाँ, वो भैया मिलिट्री वाले, उन्होंने उसको निकलवा के निकाल के अस्पताल ले घर में रहे, लेटे रहे। उसके बाद हल्ला हुआ, हमने कहा उसका जब तक वो अस्पताल ले गए, फिर हम लोग अस्पताल पहुंचे वहाँ पर। जिसका बच्चा रहा और कितने साल का बच्चा रहा? ये सनी कोल का। कितने साल का बच्चा रहा? 4 साल का बच्चा। सनी कोल द्वारा सूचना दी गई कि उसका, सनी कोल का लड़का जो है, पानी में डूबने से खत्म हो गया। ये कहाँ की घटना है? ये बंदगढ़ टोला वहीं की बात है, और इसे घर के पास। तो ये किस चीज में डूबा? पानी में। पानी कहाँ भरा? वह भी मैं घटना स्थल पहुँच नहीं पाया, मैं सीधे पीएम के इधर अस्पताल आ गया। तो जो फोटोग्राफ्स आपने मुझे नाले के दिखाए हैं, उससे लगता है कि जो कॉलोनाइजर हैं और जो संबंधित लोग हैं जिन्होंने ये अवैधानिक रूप से नाला खोदा है, उनमें उसकी प्रथम दृष्टया उनकी लापरवाही प्रतीत होती है, जिसके कारण ये सब घटनाएं घटी हैं। तो लापरवाही के विषय में जो कार्रवाई उनके संबंध में हो सकती है, वो नगर निगम करेगा अपने स्तर पर।